यूपी के फिरोजाबाद में पकड़ा गया फर्जी दरोगा, आई कार्ड पर साल 2055 की एक्सपायरी डेट लिखकर घूम रहा था। फिरोजाबाद पुलिस ने फर्जी दरोगा को पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है। कैसे फर्जी दरोगा का बांडा फूटा आपको बताते हैं। फर्जी दरोगा होने के बावजूद भी वर्दी की धौंस दिखाकर कभी भी टोल टैक्स नहीं देता था, राह चलते किसी को भी हड़का देता था। उसने धमकी देना, वसूली करना, गैर कानूनी चीज़ों को अपना धंधा बना लिया था। आइए जानते हैं कैसे खुली फर्जी दरोगा की पोल। दरअसल थाना दक्षिण इलाके में इस्लामगंज में बुधवार की शाम को दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने अपने परिचित मोहित यादव को बुला लिया। मोहित ने खुद को दरोगा बताया और मौके पर पहुंचते ही दूसरे पक्ष को अड़गाना शुरू कर दिया। वह उन पर रौब झाड़ने लगा। लोग भी दरोगा समझकर उससे संभलकर बोल रहे थे, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर थाने से पुलिस फोर्स के आते ही मोहित यादव गायब हो गया। लोगों ने पुलिस को बताया कि मोहित नाम का शख्स खुद को दरोगा बताकर अभद्रता कर रहा था। ऐसा कौन सा शख्स है जो खुद को दरोगा बताकर गलत काम कर रहा है। जांच पड़ताल करते हुए बीते 20 सितंबर को बस स्टैंड के पास पुलिस ने मोहित को धर दबोचा। वो वहां पर भी अवैध वसूली करता हुआ पाया गया। फर्जी दरोगा बनकर झाड़ रहा था रौब। सख्ती से पूछा तो मोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अभी दरोगा भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। गांव में लोगों पर रौब झाड़ने के लिए उसने फर्जी आई कार्ड बना लिया था। गांव के लोगों ने बताया कि वह अपने फर्जी आई कार्ड को दिखाता था और वह मथुरा रिफाइनरी थाने में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है, यह सबको बताता था। लाल पुलिस ने इस फर्जी दरोगा को पकड़कर हवालात में डाल दिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। धन्यवाद।